हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, हर बार की तरह सीरियसली यही बोलूंगी कि हर बार की तरह एक बार फिर जो है घर में आ गया है टिकट टू फिनाले टास्क। और ऐसे में चार लोग जो है वो टिकट टू फिनाले के दावेदार बन चुके हैं, जिसमें से कि दो वाइल्ड कार्ड्स हैं और दो जो है पुराने हाउसमेट्स हैं। इन चारों लोगों ने जो है टिकट टू फिनाले की कंटेंडरशिप जो है अपने नाम कर ली है। और जिसमें अगर सबसे पहले नाम लूं तो आ रहा है करण कुंद्रा, दूसरा नाम है तेजस्वी प्रकाश, तीसरा नाम है अभिजीत बिचुकले और चौथा नाम है रश्मि देसाई। जी हाँ, ये चार लोग हैं जिन्हें टिकट टू फिनाले की कंटेंडरशिप मिल चुकी है। और अब आने वाले टास्क में पता चलेगा कि इन चारों में से कौन सा कंटेस्टेंट है जो टिकट टू फिनाले अपने नाम कर पाएगा। ये तो हमें पता ही कि राखी सावंत जो है टिकट टू फिनाले अपने नाम कर चुकी है। अब इन चारों में से देखना होगा कि क्या अगला टिकट टू फिनाले का टिकट किसी वाइल्ड कार्ड को मिलेगा, या फिर जो पुराने हाउसमेट्स है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश वो टिकट टू फिनाले के टिकट को अपने नाम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं निशांत भट्ट सोच रहे हैं कि वो अभिजीत बिचुकले के लिए खेलेंगे, स्मिता शेट्टी सोच रही है कि वो रश्मि देसाई के लिए खेलेंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पुराने हाउसमेट्स हैं, अगर एज अ सर्वाइवल देखा जाए तो इन लोगों को आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए, उन्हें जो है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के लिए खेलना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था जब टिकट टू फिनाले की कंटेंडरशिप मिली थी कि सारे कंटेस्टेंट को मिलकर वाइल्ड कार्ड्स के बजाय जो है स्मिता शेट्टी और प्रतीक के लिए खेलना चाहिए था। तो इस बार भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इन लोगों को कहीं ना कहीं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के लिए ये गेम खेलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड जो है वो टिकट टू फिनाले डिजर्व नहीं करते। तो ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल बोल फटाफट।